जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड जो आरटीओ का एग्जाम होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। अपन बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट की आज मैं बात करने वाला हूँ, पीपीसीएम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसके 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यू के, और वही ये लेक्चर हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो आज अपना 4th लेक्चर है जिसमें यूनिट 4 के अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 4th चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नया नोटिस आ चुका है एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम किस तरीके से होने हैं। एग्जाम के दौरान, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान, आपका उसमें साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, बीच बीच में 1 मिनट, जैसे स्टार्टिंग के 10 मिनट बाद 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली और एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट पहले एक बार रिकॉर्डिंग कर ली। ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरीके से वो 2 मिनट की बीच में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसकी संभावना है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके लिए आपको क्या करना है, एक अलग से सेपरेट रूम में बैठना है जहाँ कोई आए जाए नहीं, डिस्टरबेंस नहीं। और किसी को अपने पास रखना मत चीटिंग के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, व्हेन ए ऑफर विद सर्टेन टर्म एंड कंडीशन इज गिवन इन रिटन फॉर्म इट इज कॉल्ड। लिखित रूप में कोई भी शर्तें और टर्म एंड कंडीशन दी गई हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो अपना हो जाता है टेंडर। कोई भी टेंडर निकालते हैं तो नियम और शर्तों के अंतर्गत ही उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ए टेंडर कैन नॉट बी क्लासिफाइड। टेंडर को कैसे क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, किसके लेवल पे, पार्टिसिपेशन के लेवल पे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना कॉस्ट प्लस जो टेंडर होता है उसको इसके रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ए टेंडर एनी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्टर विलिंग टू डू वर्क इज अलाउड टू बिड। तो ये कहना चाह रहा है कि बोली लगाने वाला, बिड का अर्थ होता है बोली लगाने वाला, बोली लगाने वाले। इन विच टाइप ऑफ ए टेंडर एनी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्टर, जो भी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्टर है वो विलिंग टू डू वर्क इज अलाउड टू बिड, बोली लगाने के उसको स्वतंत्रता दी जाती है बोली लगाने के लिए। तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर जो अपना ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर में ये अलाउ होता है उसको, ये वो कर सकता है, बोली लगा सकता है किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ ए टेंडर आर्किटेक्ट इन्वाइटेड टेंडर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के आधार पर जो टेंडर डलवाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन लिमिटेड टेंडर। यहाँ पर ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेंडर इज अवेलेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टर टू फिल अप सच टेंडर इज कॉल्ड। मतलब अवेलेबल लिमिटेड कॉन्ट्रेक्टर है, जैसे 5 या 10 कॉन्ट्रेक्टर है, तो उस टाइप के जो टेंडर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिलेक्टेड टेंडर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, सिलेक्टेड टेंडर बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेगोशिएशन आर डन विद ओनली फ्यू कॉन्ट्रेक्टर्स फॉर द कॉस्ट ऑफ वर्क देन सच टेंडर्स आर कॉल्ड। मतलब कुछ ही कॉन्ट्रेक्टर हैं, नंबर ऑफ गिने चुने, उनके बीच में नेगोशिएशन हो गया, तो उस टाइप के कॉन्ट्रेक्टर को, उस टाइप के टेंडर को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, उसको नेगोशिएटेड टेंडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ ए टेंडरिंग प्रोसेस। टेंडरिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप नहीं है, तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है स्टाफिंग, ये टेंडर प्रोसेस की स्टेप्स नहीं है, बाकी सारी स्टेप्स हैं, बाकी सारी स्टेप्स हैं। जैसे नोटिस इनवाइटिंग करेंगे अपन टेंडर के लिए, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ ए बीडर्स, जो बोल लगाने वाले हैं उनकी प्री क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, और सिक्योरिटी ऑफ टेंडर, उसकी कुछ सिक्योरिटी जमा करी जाती है वो है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स। अब टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो पहला है टेंडर नोटिस की अपन को जरूरत पड़ती है, टेंडर फॉर्म अपन को फिलअप करना पड़ता है, कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट अपन को मिलने वाला है, जो टेंडर अपन को मिलने वाला है उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टेंडर नोटिस। तो कौन सी डिटेल टेंडर नोटिस में इंक्लूड नहीं की जाती है, तो यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का नेम जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम जो होता है उसको टेंडर नोटिस में क्या नहीं किया जाता, अलाउ, डिटेल में अलाउ नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी।
ईएमडी का अर्थ होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यहाँ पर ईएमडी का मेरे फुल फॉर्म होता है। यूजुअली ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितने परसेंटेज होता है यूजुअली, जनरली जो अपन यूज करते हैं 1-2% यहाँ पर अपन यूज करते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ड्यूरिंग वर्क पार्ट और एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इज फॉरफेटेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी जब्त हो जाती है। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर किसी भी डिपार्टमेंट जो जब निकलता है और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य को सही से फुलफिल नहीं कर पाता है, उसमें असफल हो जाता है, तो वहां पर जो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है उसको जब्त कर लिया जाता है। ये है यहाँ पर आंसर। यूजुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट इज द परसेंटेज ऑफ ए टोटल टेंडर अमाउंट, जैसे मेरा 10 लाख का टेंडर है तो उसका 10%, 10 लाख के टेंडर का 10% मुझे सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना पड़ेगा और अगर मैं फेल हो गया उसमें तो वो जब्त हो जाएगी मेरी। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए वॉलंटरी अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एज ए बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट इज नाउन एज, तो जो लीगल एग्रीमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी किसी भी चीज से अगर दो पार्टियों के बीच में लीगल एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को मारने का, दूंगा नहीं वैसे आप लोगों को मारने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा मैं, लेकिन ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट्स आर यूज एज रेफरेंस व्हाइल ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने यूज किए जाते हैं, तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो टेंडर का नोटिस निकला हुआ है वो, टेंडर सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर सबमिट करेगा वो, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो इशू कर दिया जाएगा भाई हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा हूँ, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्या टाइप हैं, तो एक तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, All of the above answer आ जाएगा। Which of the following is not a type of a contractor? अब ये कह रहा है कि भाई साहब कौन सा contractor का contract का type नहीं होता। अरे तो limited contractor किसी ने सुना है आज दिन तक, मैंने तो नहीं सुना है, तो यहाँ पर option C मेरा answer आ जाएगा। Limited contract होता ही नहीं है कोई, क्योंकि contract आप सोचोगे मतलब आप generally हिसाब लगाओगे किसी को अपने contract दिया भाई साहब तुम्हारे मकान बना दे, अब उसने बोल दिया कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर बना के दे दूंगा, जरूरी थोड़े ना वो 6 महीने में मतलब फिक्स 6 महीने में दे दूंगा, उसने बोल दिया, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स 6 महीने में बना दे, 6 महीने से ऊपर भी लग सकता है और 6 महीने से कम में भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी मेन फोर्स कितनी है, पावर कितनी है उसके पास, आदमी कितने अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द टाइप ऑफ ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर की ब्रीच की क्या टाइप है, ये अपन से ये जानना चाह रहा है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि मटेरियल ब्रीच होता है एक, तो एक होता है माइनर ब्रीचेस, एक होता है फंडामेंटल ब्रीचेस, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लमसम कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर, लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसके लिए सुटेबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, विच कॉन्ट्रैक्टर्स हैव प्रायर कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, जिनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का, उनके लिए लमसम कॉन्ट्रैक्टर सुटेबल होता है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है The item rate contract is suitable. The item rate contract is suitable. तो इसमें क्या जाएगा? Work which can be split into various item and quantities. जो काम है अपना उसको items, अलग अलग items की गिनती करके या उनकी quantity के आधार पर अपन split कर देंगे, उसको टुकड़ों में बांट देंगे, तो ये आ जाता है rate contract is suitable for. उसको निकालने की दर, दर निकालने का तरीका ये। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक ही गुजारिश है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसका फ़ायदा उनको भी मिले थोड़ा सा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।